तो काफ़ी सारे लोग होंगे जो वीडियो के थंबनेल देखकर शायद उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो डालने का मकसद ये था कि जो लोग अभी यहाँ से लाइक दूसरे अपने जो भी कंट्रीज है, लाइक अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो, अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, क्योंकि हम जब भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं, और अभी तो हाँ लाइक चीज़ें ऐसी है कि हर कोई 10 में से लाइक 8 और 9 लोग तो आपके आसपास के ही होंगे जो लोग अभी लाइक स्टडी एब्रॉड के लिए जा रहे हैं, और या तो फिर कोई सेटल हो रहा है एब्रॉड में, या तो फिर कोई वर्क वीज़ा लेकर जा रहा है किसी कंट्री में, या तो फिर स्टूडेंट बन के जा रहे हैं लाइक स्टडी वीज़ा पे जा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हो क्या रहा है कि सभी लोग आसपास के आपके जो है वो अभी बाहर की कंट्रीज़ में जा रहे हैं, तो उसमें से होता क्या है कि काफ़ी सारे लोगों के थे कि जो देख कर लाइक जो हवा अभी लाइक चल रही है कि भाई फॉरेन चलो, फॉरेन कंट्रीज़ लाइक क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने को मिलेगी, ये सब देखकर अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना कुछ सोचे समझे अपना जो भी सेटल्ड बिजनेस रहेगा, या तो फिर सेटल ऑलरेडी जहाँ पर काम करते हो, सेटल कॉर्पोरेट अच्छी से जॉब है, फिर भी वो सारी चीज़ें छोड़कर वो लोग अभी बाहर फॉरेन की कंट्रीज़ में जाने के बारे में सोच रहे हैं। तो देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आपको डीमोटिव नहीं कर रहा हूँ कि आप वहाँ पर ना जाओ, लाइक फॉरेन में ना जाओ। देखो, अगर आप एफोर्ड कर सकते हो ऑब्वियसली जाओ, क्योंकि अभी हो क्या रहा है, उसको भी अगर मिडिल क्लास अगर फैमिली से बिलोंग करता है तो ये सारी चीज़ें देखकर काफ़ी सारे जो पेरेंट्स रहते उनके भी दिमाग में लाइक उनके भी सपने होते कि मेरा बेटा बाहर जाए और सेटल हो जाए। देखो, ये एक इमोशनल डिसीजन भी हो सकता है किसी के लिए, कि किसी की फैमिली से कोई गया नहीं है आज तक, किसी को अपने बेटे को भेजना है बाहर, या तो फिर किसी को अपनी बेटी को बाहर भेजना है। देखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मत भेजो या फिर बाहर बुरा है, बाहर की लाइफ अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। हम किसी भी चीज़ को लाइक हम नेगेटिव लाइक तरीके से नहीं देखेंगे। देखो, अगर इंडिया को देखोगे तो इंडिया भी कहीं ना कहीं एक अपनी जगह पर वो भी सही कंट्री है, और अगर आप न्यूजीलैंड आ रहे हो या फिर ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो, कनाडा भी जा रहे हो, तो वो भी सारी कंट्रीज अपने अपने लेवल पे बहुत ही अच्छी है। किसी भी कंट्री को मैं यहाँ पर बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट जो लोग ये सोच रहे कि हम लाइक ये सारी चीज़ें जो सेट है उसको छोड़कर बाहर जाए, तो उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ कि एक दो बार सोचो, पहले प्लान करो। अगर आपके पास बजट है या फिर आपके पास उतनी इनकम है, अच्छा खासा सैलरी पैकेज, तो एक बार पहले विजिटर पे लाइक जाके रहो, लाइक जो भी किसी भी कंट्री में आपको जाना है वहाँ पर देख कर आओ। ऐसे लोग होंगे जिनके लाइक सपने, जो भी ड्रीम्स हैं वो अलग अलग होंगे। आप देखो, अगर किसी का वीडियो देखकर, किसी का प्रोफाइल देखकर आप यहाँ पर आने के बारे में सोच रहे हो, तो ऑलवेज़ मैं कहता हूँ कि दो तीन बार सोचो पहले कि आप किस मकसद से आना चाहते हो। क्योंकि काफ़ी टाइम होता क्या है कि जो यंगस्टर होते हैं ना, वो अपने आसपास की जो चीज़ें चल रही है, एनवायरनमेंट जैसे चल रहा है, लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के बारे में सोच रहे हैं। देखो, अभी कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में देखोगे, कनाडा में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जा रहे हैं, हर साल जा रहे हैं, अभी लाइक प्लेन भर भर के वहाँ पर जाते हैं। तो देखो, वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड हो चुका है, तो वो भी एक लाइक कंट्री अच्छी है, मैं बुरा नहीं बोल रहा हूँ, बट वहाँ पर आप जाने के बारे में पहले सोच लो कि ऑलरेडी वहाँ पर इतने सारे लोग चले गए, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्राउडेड है, तो क्या आपके पीआर के चांसेस कितने रहेंगे, जॉब के चांसेस कितने रहेंगे, वो देखो पहले। अगर यंगस्टर हो तो अगर आप 20 साल के बाद आ रहे हो यहाँ पर, तो आपके पास 10 और 15 ईयर्स है, लाइक 30 साल तक आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, जैसे कि न्यूजीलैंड में आ रहे हो, तो न्यूजीलैंड में देखो कि यहाँ पर आपके पीआर के चांसेस कितने हैं, कौन सी स्किल ऐसी है जहाँ पर आपको पीआर अच्छे से मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें पहले देख लो कहाँ पर आपको जाना है। अगर आप सेटल होने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, अगर आप यहाँ पर सेटल होने के लिए आ रहे हो, तो वो चीज़ें देख लेना कि आपको पीआर कितने टाइम में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लाइक जो स्टडी लेकर आ रहे हो, या तो फिर आप जो भी वर्क वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, उसके ऊपर आपको पीआर लेने में कितना टाइम लगेगा। और मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जो लोग एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, देखो एजेंट्स पर पूरा भरोसा मत करो, क्योंकि एजेंट्स आपको वही चीज़ें दिखाएगा जो उसको बेनिफिट होगा। ऑलवेज़ आप अगर मैं आपको सजेशन दूंगा कि अगर न्यूजीलैंड आ रहे हो या फिर किसी भी कंट्री में जा रहे हो, तो वहाँ के जो इमिग्रेशन लॉयर्स या फिर इमिग्रेशन एडवाइज़र
जो लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र रहते उनको ही ऑलवेज प्रेफर करो, क्योंकि यहाँ के लोग आपको जो लाइक सच्चाई देंगे सो सच्चाई आपको बताएंगे, वो शायद आपको एजेंट्स नहीं बताएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम एजेंट्स इंडिया में रहते उनको आधी चीज़ें तो मालूम ही नहीं होती कि कौन सी चीज़ कहाँ चल रही है, और तो वो उसके हिसाब से चलते रहते हैं। तो ऑलवेज प्रीफर अ लाइसेंस इमिग्रेशन एडवाइज़र। अगर आप अपने जो पार्टनर वीज़ाज के लिए फाइल रख रहे हो या फिर पीआर के लिए रख रहे हो, तो ऑलवेज प्रीफर कोई ऐसा अच्छा सा एडवाइज़र हो जो आपको गाइड कर सके। ऐसे ही किसी चालू एजेंट के पास कभी भी मत जाना, वरना आपके पैसे भी डूब सकते हैं और आपका जो लाइफ के 2-3 साल या फिर 5-6 साल शायद बिगड़ भी सकते हैं। तो ऑलवेज़ जो सारे डिसीजन है वो ये सारी चीज़ें देख कर लेना। अगर देखो, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो लोग ऐसे ही लाइक यहाँ पर आने के बारे में सोच रहे, जो यहाँ पर देख कर आते वीडियोस देख कर, तो वो यहाँ आने के बाद फिर रिग्रेट ना करें कि भाई हम कहाँ आ गए, कैसे क्यों यहाँ पर आ गए और ऐसी कंट्रीज़ में, और 5-6 साल अपनी लाइफ के बेस मत किया करो। तो ऑलवेज़ ये सारी चीज़ें देख कर आना। और अगर वीडियोस अच्छे लगते और सपोर्टिव लगते, इन्फॉर्मेशनल लगते, तो मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।